हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने दुबले पतले दोस्तों के लिए एक दवाई बताई थी। जो दोस्त दुबले पतले हैं, जिनकी गाल पिचकी हुई हैं, जिनका शरीर ठीक है लेकिन गालें जवानी में भी ऐसी हैं जैसे बूढ़े होते हैं, उन दोस्तों के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो डॉक्टरों के पास, वैद हकीमों के पास जाते हैं तो वो उन्हें एलोपैथी की दवाई पीस कर या बीच में कुछ चूर्ण वगैरह लगाकर उनको दे देते हैं। वो खाते हैं तो फटाफट मोटे होने लग जाते हैं, तो खुशी के मारे वो फूलते नहीं समाते, एक खुशी से फूल जाते हैं, दूसरे वो दवाई से। लेकिन जैसे ही वो दवाई छोड़ते हैं और उनकी सारी की सारी जो फूला हुआ शरीर है एकदम से पिचक जाता है, जहाँ से वो उठे थे उससे भी कम हो जाता है, जब वहीं लाइन पे आ जाती है गाड़ी, यानी कि जितने दिन दवाई खाई उतने दिन मोटे हो जाते हैं। इस चीज़ से भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन उन दवाइयों के असर से जो जेंट्स लोग लड़के हैं उनके स्पर्म काउंट बनने बंद हो जाते हैं, शरीर में आलसपन पैदा हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और हार्ट में प्रॉब्लम होने लग जाती है, आँखों की जो नज़र है वो कमज़ोर होने लग जाती है, ना जाने कितनी बीमारियों का वो शिकार हो जाते हैं। तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कोई ऐसा नुस्खा बताएं, तो काफ़ी दिनों से इस चीज़ की रिसर्च चल रही थी, तो लेकिन मैं आपको एलोपैथी दवाई की सलाह तो नहीं दे सकता। जिस दवाई से इंसान का नुकसान होता हो वो दवाई कभी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, ये जो मैं दवाई बता रहा हूँ ये 2 महीने, ज़्यादा 3 महीने खाने से आदमी के शरीर में जो गालें हैं वो मोटी हो जाएंगी, शरीर भारीपन आ जाएगा। जो पतले दुबले लोग हैं उनको लिए एक वरदान है। पहले तो इस दवाई की यही गारंटी है कि 1 महीने में ही रिजल्ट आ जाता है, 15 दिन में, यानी कि ये 3 किलो खाने होती है, 1 किलो 2 किलो दवाई का वज़न बनता है जो मैं बनाऊँगा। तो ये जो मैं दवाई आपको बता रहा हूँ ये एक वीडियो में और समझाऊँगा। ये है दोस्तों 7 भांग। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक दिखाई थी भी, आजकल भांग बहुत सड़कों पे खड़ी है, उसको लेकर सुखा ले, मैंने सुखाने के बाद आपको जलाते हुए एक वीडियो छोटी सी अपलोड की थी। उस वीडियो में से हमने जो राख बनाई थी भांग की वो इकट्ठी करके उसका तोल किया, तोल करने के बाद वो 3 किलो हमारे हाथ में आई। अब 3 किलो भांग को हमने छान कर छलनी से ये 8 गुना पानी यानी 24 किलो पानी में डालकर अब इसको मसल रहे हैं। ये देखो, ये अपने हेल्पर सोनू हैं, तो ये इसको एकदम इसमें पानी में जख जान कर देंगे, ये सारी राख इसमें जख जान कर देंगे तो रात भर पड़ी रहेगी, कल को फिर इसको ऐसे ही करेंगे। तो आहिस्ता अगर आप कपड़ छान करके मिला लें तो फिर एक बार ही हाथ मिलाना पड़ेगा, और उसके बाद आप उसमें कोई डंडा या कोई चीज़ फेरते रहें, हिलाते रहें, 3-4 रोज़ के बाद यह सारी राख जो ऊपर है ये नीचे बैठ जाएगी, ऊपर बिल्कुल फिल्टर नितरा हुआ पानी आ जाएगा। उसको आराम से टेढ़ा करके बर्तन में, दूसरे बर्तन में पानी उगेल लेंगे, उगेलने के बाद उसको कढ़ाई में या किसी बर्तन में डालकर उस साफ पानी को जलाएंगे। जब उबलते उबलते सारा पानी जल जाएगा तो नीचे कढ़ाई में थोड़ा सा वाइट रंग का मटमैला सा एक सत बैठेगा, उसको बोलते हैं भांग का सत। किसी भी औषधि का आपने सत निकालना हो उसका यही तरीका होता है कि पहले उसको जड़ समेत उखाड़ के लाएं,
उसके बाद उसको धूप में सुखा लें। सूखने के बाद उसको आग लगा दें, जो राख बने उसको इसी विधि से पानी में घोलें। घोलने के बाद जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से उसका नमक निकालें, तो हर चीज़ का नमक इसी प्रकार से निकलता है। कुछ दवाइयाँ कुछ चीज़ें हैं जिनको हरी का भी सत बनता है, जैसे सत गलो या दूसरी चीज़ें, लेकिन 99% जितनी औषधियाँ उनको जलाने के बाद उनका नमक ऐसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, मोटे होने के लिए जिन दोस्तों को दवाई की ज़रूरत हो, इस दवाई में अश्वगंधा, शुगर मिल्क पाउडर, बिदारी कंद, सिंघाड़े, तो ऐसी औषधियाँ पड़ेंगी, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। उन पाने के बाद यह जो दवाई बनेगी, ये सुबह शाम एक एक चम्मच दूध से खानी होती है। 15 दिनों में आदमी के शरीर में हरकत पैदा कर देती है और 1 महीने में यह अपना रिजल्ट पूरा दिखा देती है। तो दोस्तों, यह जो दोस्तों ने भांग मेरे कहने पे काटी हो, इस प्रकार से बनाए। इस एक और मैं बताऊं, जिन दोस्तों को भूख नहीं लगती, वो इस नमक के 250 mg का कैप्सूल भर के वो अकेला ही खाए तो उससे उसकी भूख बढ़ जाएगी। तो जो एलोपैथी की दवाइयाँ देते हैं वो भी भूख बढ़ाने के लिए देते हैं, लेकिन वो हार्ट पे प्रॉब्लम डालती है, शरीर पे डालती है। ये भांग के साथ में कोई भी प्रकार की आपको नशा नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और यह रुकावट भी पैदा करेगा जो मर्द लोग हैं, औरतों के जनन जो बच्चेदानी की प्रॉब्लम है उन पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। और जो हार्ट की दवाइयाँ खाते हैं, जो एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं, वो दोनों के स्पर्म काउंट और अंडों में प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों, यह बिल्कुल नेचुरल दवाई होगी। ज़्यादा ज़्यादा किसी को 1 महीना और खानी पड़ सकती है, लेकिन 1 महीने में यह बिल्कुल रिजल्ट बहुत अच्छा देती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी जानकारी चाहिए केवल इस नंबर पर वॉइस मैसेज करें, फ़ोन मत करें। धन्यवाद।